अब तक आपने देखा देवी भद्रकाली संसार के समस्त असुरों का अंत कर देती हैं, किंतु असुर गुरु शुक्राचार्य अपनी साधना से त्रिजट नामक असुर को जीवित कर देते हैं जो देवी के सिंदूर कुंड को प्राप्त कर लेता है और उसी सिंदूर कुंड की सहायता से शुक्राचार्य एक एक कर असुरों को जीवित करते हैं। वहीं दूसरी ओर नगरवासी प्राण त्याग देते हैं। ये देख भैरव और देवता चिंतित होते हैं। भैरव को ब्रह्मदेव बताते हैं कि त्रिजट को कोई मार नहीं सकता, उसका अंत सिर्फ उसका पुत्र ही कर सकता है। फिर भैरव त्रिजट के पुत्र को ढूंढते हैं। फिर उन्हें माता से त्रिजट के पुत्र के बारे में पता चलता है, जो कि राजकुमार पदम है, जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए औषधियों की खोज में निकलते हैं। भैरव उन्हें सच्चाई से अवगत कराते हैं, किंतु राजकुमार पदम को भैरव पर विश्वास नहीं होता। असत्य कह रहे हो तुम, मैंने कभी तुम्हें शक्तिपीठ पर नहीं देखा। ये समय वाद विवाद का नहीं है राजकुमार, मेरी बात मानिए और चलिए मेरे साथ। मैं एक मायावी असुर की बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मेरा मार्ग छोड़ दो, मुझे अपना कर्तव्य पूर्ण करने दो। तुम्हारा कर्तव्य असुरों से संसार की रक्षा करना है। मैं अपना कर्तव्य भली प्रकार जानता हूँ भैरव, चले जाओ यहाँ से। उधर त्रिजट को ज्ञात हो जाता है कि राजकुमार पदम ही उसका पुत्र है। फिर शुक्राचार्य त्रिजट को आदेश देते हैं कि अपने पुत्र पदम का अंत कर दो। फिर त्रिजट राजकुमार पदम पर प्राणघाती हमला कर देता है। अब आगे इस निर्दोष के प्राण लेकर तुमने जघन्य अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम मुझे नहीं मार सकते कंटक, भूल गए मैंने तुम्हें स्तंभन शक्ति का प्रयोग करके बांध दिया था और तुम्हें जड़वत कर दिया था। मुझे भलीभांति स्मरण है त्रिजट, परंतु यह आवश्यक नहीं। यदि तुम मुझे एक बार विवश करोगे तो बार बार कर पाओगे। क्यों, क्या देवताओं ने तुम्हें नई शक्तियां प्रदान की है? या मेरी तपस्या के समय मत्स्य द्वारा भूलवश उत्पन्न हुए मेरे पुत्र से मेरा वध कराना चाहते थे? चाहे कैसे भी हो त्रिजट, संसार से अधर्म का नाश होकर ही रहता है। ये तुम्हारी भूल है कंटक, तुम और तुम्हारे देवता चाहकर भी मेरा अंत नहीं कर सकते। ये तुम्हारी भूल है त्रिजट, संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कंटक, यदि तुम में बल है तो मेरा अहित करके दिखाओ। मेरा अहित तो दूर, तुम मुझसे शक्तिपीठ से लाया हुआ सिंदूर भी वापस नहीं ले जा सकते। अब मैं उस सिंदूर की शक्ति से मनुष्यों के प्राण हर कर असुरों को पुनर्जीवित करूंगा और इस संसार में असुरों के साम्राज्य को फिर से स्थापित करूंगा। व्याकुल क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है? शक्तिपीठ के रक्षक भैरव राजकुमार को क्यों खोज रहे थे? उनका जीवन सुरक्षित तो है ना माता? हमें बहुत चिंता हो रही है, कुछ तो संकेत दीजिए माता। राजकुमारी प्रभा, मैंने अपनी मृत्यु के एकमात्र कारण को समाप्त कर दिया है। अब इस संसार में ना ही कोई मेरा पुत्र है और ना ही मेरी मृत्यु का कोई कारण बचा है। आज से आपका ये शिष्य अमर हो गया है गुरुदेव। त्रिजट,
तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम असुर साम्राज्य के सच्चे अधिकारी हो। अब इस समस्त संसार में तुम्हें मारने वाला कोई नहीं बचा, किंतु स्मरण रहे कि देवता अब भी हमारे अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत होकर अनुष्ठान पूरा कीजिए गुरुदेव, मेरे होते हुए इस अनुष्ठान में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। उत्तम। आपको क्या हो गया स्वामी? आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप। मैं आपके बिना जीवित रह के क्या करूंगी जीवित रह के? स्वामी आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, उठिए ना स्वामी। संदूरी माता, क्यों किया आपने ये सब? आप तो संसार में सब स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करने वाली हैं, फिर मेरे पति के प्राण क्यों लिया आपने? मैंने तो आपको साक्षी मानकर आपका शक्तिपीठ का सिंदूर धारण किया था, पर क्यों आपने मेरे पति के अकाल मृत्यु की? उत्तर दीजिए माता, उत्तर दीजिए। अन्यथा इस संसार का विश्वास आप पर से उठ जाएगा माता आपसे। पुत्री प्रभा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब मैं तुम्हारे पति की ही नहीं, बल्कि संसार में किसी के भी पति की रक्षा कर पाने में असमर्थ हूं, क्योंकि मेरी शक्ति जो कि मेरा सिंदूर है वो एक अधर्मी लेकर चला गया है। अब मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं, मैं विवश हूं पुत्री, मैं विवश हूं। अब मेरे सिंदूर का कोई अर्थ नहीं, मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। मेरे पति के बिना मेरे जीने का कोई अर्थ नहीं, अब मैं भी अग्नि समाधि दूंगी। मैं शक्तिपीठ का रक्षक हूं, और यदि लोगों का विश्वास शक्तिपीठ पर से उठ जाएगा तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पराजय होगी, इसलिए मुझे इस शक्तिपीठ के इस विश्वास की रक्षा करनी होगी, अन्यथा मेरा अस्तित्व भी निरर्थक हो जाएगा। ये संकट तो विकराल रूप लेता जा रहा है। ना ही माता सिंदूरी मनुष्यों की रक्षा करने में समर्थ है और ना ही भैरव। ये संसार केवल देवी देवताओं के चमत्कार से नहीं चलता वरुण देव, इस संसार के भी कुछ नियम होते हैं। तो क्या ये सब संसार के नियमों का अनुरूप हो रहा है इंद्रदेव? मनुष्यों के प्राण जाना और असुरों का पुनर्जीवित होना, तो क्या ये संसार के नियमों से संचरित हो रहा है? आपने स्वयं ही एक नियम का उल्लेख किया है वरुण देव। हर एक का प्राण दूसरे का जीवन बन रहा है, अर्थात हर एक घटना का कोई ना कोई आधार तो होता ही है, और हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है वरुण देव। तो क्या असुरों की क्रियाओं की प्रतिक्रिया होगी कि नहीं, कि संसार मनुष्य विहीन हो जाएगा? अवश्य होगी वरुण देव। जिस प्रकार प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार हर एक कर्म का फल भी अवश्य मिलता है, और उस असुर त्रिजट को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। माता, आपको साक्षी मानकर मेरे पति ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, किंतु आप मेरे सुहाग की रक्षा ना कर सके। मेरे पति के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, इसलिए मैं आज अपने पति के साथ स्वयं को
इस अग्नि में समर्पित कर दूंगी। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है देवराज। एक असुर ने समस्त संसार को संकट में डाल दिया, सभी देवता विवश होकर देख रहे हैं। आप सत्य कह रहे वरुण देव, विवश और असहाय तो मनुष्य हुआ करते हैं, किंतु आज तो देवता भी उतने ही विवश और असहाय हैं। पुत्री, तुम्हारे पति की अकाल मृत्यु ने तुम्हें विचलित कर दिया है और इसलिए अब तुम अपना जीवन समाप्त करने को आतुर हो गई। किंतु पुत्री, इस प्रकार व्याकुलता में लिए गए निर्णय उचित नहीं होते, क्योंकि व्याकुलता में भावना बुद्धि को निष्क्रिय कर देती है और समस्या का हल सामने होते हुए भी हम उसे देख नहीं पाते। रुक जाइए राजकुमारी, ऐसा मत कीजिए। राजकुमार की मृत्यु से हम पहले ही दुखी हैं, हमें और दुखी मत कीजिए। रुक जाइए राजकुमारी, रुक जाइए राजकुमारी जी, रुक जाइए। हे परम पिता परम देव, हे नारायण भगवान विष्णु, संसार की रक्षा करो, प्रकट हो, प्रकट। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम नारायण। हे रुद्रांश भैरव, ऐसा क्या हुआ कि आपने हमें स्मरण किया? प्रभु, संसार संकट में है, उसकी रक्षा करें। राजकुमार पदम की अकाल मृत्यु के बाद माता सिंदूरी के शक्तिपीठ पर भक्तों को संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि भक्तों के मन से आस्था समाप्त हो जाएगी तो शक्तिपीठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। भैरव, आपका चिंता करना उचित है, किंतु हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? प्रभु, शक्तिपीठ पर भक्तों की आस्था पुनः स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है और ये केवल राजकुमार के प्राण लौटाकर ही संभव है। भैरव, आप भली भांति जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। एक बार मृत्यु के पश्चात वो पुनर्जीवित कैसे हो सकता है? यदि मृत को जीवित नहीं किया जा सकता तो जीवित को मृत्यु तो दी जा सकती है। प्रभु, बताइए त्रिजट का अंत कैसे होगा? इसका समाधान भी माता सिंदूरी के पास है। वो कैसे प्रभु? जिस दिन राजकुमारी प्रभा ने अपनी मांग में माता सिंदूरी का सिंदूर धारण किया था, उसी दिन उसने अपना सुहाग सुरक्षित कर लिया था। अब उसके सुहाग की सुरक्षा का दायित्व माता सिंदूरी का है। किंतु अब माता सिंदूरी के पास रक्षा का सामर्थ्य नहीं रहा। वो शक्ति, माता सती का सिंदूर त्रिजट अपने साथ ले गया है। माता सिंदूरी अभी भी प्रभा के सुहाग की सुरक्षा कर सकती है, यदि वो सिंदूर निमित होकर ये कार्य कर सके। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद, प्रणाम। प्रभा, प्रभा, इस संसार में यदि समस्या है वो समस्या का हल भी है। मनुष्य की शोभा इसी में है कि वो समस्या का हल खोजे, ना कि समस्या से हार जाए और अपने जीवन का ही अंत करते हैं।
तुम्हें भी अपनी समस्या का हल खोजना होगा। मेरी समस्या का कोई हल नहीं है कंटक भैरव, मैं जीवित नहीं रहना चाहती। जीवन और मृत्यु समय के हाथ में है प्रभा, यदि तुम्हारा जीवन शेष है तो तुम उसका अंत नहीं कर सकती, इसीलिए समय की प्रतीक्षा करो, समय ही तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। समय ने अपना धर्म निभा लिया है कंटक भैरव, मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। हे संसार में स्त्रियों के सुहाग की रक्षक माता सिंदूरा, अपने भक्तों की रक्षा करो, प्रकट हो मां। माता, आपकी एक भक्त अपना जीवन नष्ट करने जा रही है, रोकिए उसे। मैं बहुत प्रयास कर चुकी कंटक, किंतु मैं उसकी सहायता कर पाने में असमर्थ हूँ, इसलिए अब वो मेरा आग्रह भी नहीं मान रही। आप असमर्थ हैं देवी, परंतु वो स्वयं तो असमर्थ नहीं, वो एक पत्नी है माता, और विवाह के पश्चात पति पत्नी अपना आधा आधा जीवन बांट लेते हैं। विवाह के पश्चात यदि पत्नी पर कोई संकट आता है तो उसका पति उसका सहभागी होता है, और यदि पति पर कोई संकट आता है तो उसकी पत्नी, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैं जानती हूँ कंटक, किंतु इस समय प्रभा इतनी विचलित है कि वो ये बात समझने की मानसिक स्थिति में ही नहीं। तो उसे उसकी शक्ति का आभास कराना चाहिए माता, यदि आज पदम पर संकट आया है तो प्रभा को चाहिए कि उसके आधे संकट का वरण कर ले, एक पत्नी ही इसमें समर्थ होती है। तुम उचित कह रहे हो कंटक, मुझे अब इस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग दिखाई दे रहा है। राजकुमारी प्रभा, तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारे प्रेम और मेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हारी आधी आयु लेकर तुम्हारे पति को देती हूं। राजकुमार जिंदा हो गए, सिंदूरी देवी की जय। ने हमारा सुहाग लुटा दिया स्वामी, हम ठीक हो गए। माता सिंदूरी, आज आपने मेरे सुहाग की रक्षा करके संसार के समस्त सुहागनों के विश्वास की लाज रख ली, आप बहुत दयालु हैं माता, आपका दरबार सदैव भरा रहे।
अंततः भैरव ने अपनी सोच बूझ से इस संकट का निवारण भी कर ही दिया इंद्रदेव। भैरव जैसा संसार में और कोई रक्षक नहीं हो सकता। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु संसार पर आने वाला संकट अभी तक डला नहीं है। जब तक त्रिजट के पास माता का दिव्य सिंदूर है, तब तक ये संकट वैसा है जैसा पीड़ित और व्यतीत सर्प होता है। वो और भी अधिक शक्ति से प्रहार करता है। अब भैरव को भी सचेत रहना होगा और हमें भी। आप वही हैं जिसने तुम्हें होरी पर्वत पर जाने से बार बार रोका था, परंतु तुम नहीं माने। तुम्हारी हठ ने अंततः तुम्हारे प्राण ले लिए। यदि आज माता सिंदूरा ना होती और तुम्हारी पत्नी का त्याग और संकल्प ना होता तो तुम जीवित ना होते। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभा? हाँ पदम, जीवित रहने के लिए आयु की आवश्यकता होती है, इसलिए आज माता ने निमित्त बनकर तुम्हारी पत्नी की आधी आयु तुम्हें दे दी है। ओ प्रभा, तुमने मुझे अपनी आयु दे दी। स्वामी, आपके बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं ऐसी आयु का क्या करती जो मुझे आपके बिना व्यतीत करनी पड़े। प्रभा, अब मेरा जीवन तुम्हारा ऋणी हो गया है। आज से मेरा सारा जीवन तुम्हें समर्पित होगा। तो फिर तुम्हारी प्रजा का क्या होगा राजकुमार, जिसके लिए तुम होरी पर्व जाने की हट कर रहे थे और अपना जीवन खो बैठे थे। कंटक भैरव, मैं तो अपना धर्म निभा रहा था। मैंने किसी का कोई अनिष्ट नहीं किया, परंतु कोई मेरा जीवन क्यों लेना चाहता था और किसने मुझे मारने का प्रयास किया था? तुम्हारे वास्तविक पिता ने, वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बने, क्योंकि तुम उनकी मृत्यु का कारण हो। महाराज, मुझे हमारी प्रजा को देखकर बहुत दुख हो रहा है। जो चमत्कार हमारे साथ हुआ है, वो इनके साथ क्यों नहीं हो सकता? ये लोग भी तो हमारे तरह मनुष्य ही है। रुक जाओ राजकुमार। कंटक भैरव, आप इतनी व्याग्रता और आवेश में कहाँ जा रहे हैं राजकुमार? अपने वास्तविक पिता के पास। तुम्हें अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए बदम, ये समय वहाँ जाने के लिए उचित नहीं है। मुझे अपने पिता से मिलने जाना ही होगा कंटक। राजकुमार, तुम फिर से मृत्यु के मुख में क्यों जाना चाहते हो? मैं अपने पिता से पूछना चाहता हूँ कि एक पिता अपने पुत्र पर प्रहार कैसे कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी प्रजा ने उनका क्या अहित कर दिया जो वो उनके प्राण छीनना चाहते हैं। एक पिता का पुत्र और एक प्रजा का पालक होने के नाते मैं इन प्रश्नों के उत्तर पूछने जा रहा हूँ। पदम, मेरी बात मानो, वहां जाकर तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं केवल मृत्यु ही प्राप्त होगी। और यदि इस बार तुम्हारे पिता ने तुम्हें मार दिया तो कोई भी तुम्हारा जीवन लौटा नहीं सकेगा, और तुम्हारी मृत्यु के साथ ही तुम्हारे पिता की मृत्यु भी असंभव हो जाएगी। मैं अपने पिता की मृत्यु का कारण नहीं बन सकता कंटक। जिस पिता ने मुझे जन्म दिया मैं उसे नहीं मार सकता। अब तो मुझे अवश्य ही उनसे मिलना है। मैं इतने वर्षों से अपने वास्तविक पिता से दूर रहा, किंतु अब और नहीं, मैं उनके पास जाकर ही रहूंगा। ये क्या हो रहा है देवराज? राजकुमार पदम उन्मत्तों की भांति व्यवहार कर रहा है। अपनी पत्नी के सौभाग्य और संकल्प से उसे नया जीवन मिला है और ये उस जीवन को खोने को आतुर है। ये रक्त संबंध की शक्ति है गुरुदेव। रक्त का संबंध ही उसे अपने पिता की ओर खींच रहा है। किंतु राजकुमारी पवा ने जो उसके लिए बलिदान दिया है वो उसे कैसे नकार सकता है? वो अच्छे से जानता है कि उसका पिता एक असुर है। इस संसार के लिए संकट है। क्या राजकुमार पदम को अपनी प्रजा की चिंता नहीं? तो असुर का पुत्र होने के नाते वो भी तो एक असुर ही हुआ ना, और एक असुर मनुष्यों की सहायता करेगा या असुरों की? यदि ऐसा है तब तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। किंतु ये सब जानते हुए भी
भैरव राजकुमार पदम को जाने कैसे दे सकते हैं? आप लोगों की चिंता स्वाभाविक है। यदि भैरव ने ऐसा किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। यदि त्रिजट को रोका ना गया तो समस्त असुर जीवित हो उठेंगे और सबसे पहले देवलोक संकट में आ जाएगा। राजकुमार पदम का प्रणाम स्वीकार करें देवगण। राजकुमार पदम नहीं, असुर पुत्र पदम कहो अपने आप को मनुष्य के शत्रु, अन्यथा तुमने अपना वास्तविक रूप दिखा ही दिया ना। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज? मैंने कौन सा अपराध किया है? मनजान बनने का प्रयास मत करो पदम, यहाँ से वापस चले जाओ, अन्यथा हम तुम्हारा अंत कर देंगे। अभी तक मैंने कोई अपराध नहीं किया इंद्रदेव, परंतु यहाँ से वापस जाना अवश्य ही बहुत बड़ा अपराध होगा। इसका अर्थ है कि तुम संसार पर आने वाले संकट में सौभाग्य बनोगे और जो व्यक्ति संसार में संकट उत्पन्न करेगा उसे हम क्षमा नहीं कर सकते। अपना वज्र वापस बुला लीजिए देवराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी रक्षा मत करो कंटक भैरव, इसे मरना ही होगा। देवराज विधाता बनने का प्रयास ना करो, अपने वज्र को वापस बुला लो, अन्यथा इसका परिणाम गंभीर होगा। यदि पदम को लगता है कि वो जो कर रहा है वही उसका धर्म है तो आप उसे नहीं रोक सकते देवराज। हमारा भी कोई धर्म है कंटक भैरव, और इस संसार की रक्षा हम देवता नहीं करेंगे तो क्या ये असुर करेंगे? संसार का ये संकट शक्तिपीठ का संकट है और शक्तिपीठ की रक्षा का दायित्व मेरा है। आप यहां से चले जाइए देवराज। तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया माते, जिस पदम को आपने सृष्टि के विधान के विपरीत जाकर जीवन दान दे दिया वही संपूर्ण मानव जाति का शत्रु हो गया है। हाँ माता, पदम अंतरात्मा से असुर की संतान ही रहा, जीवन भर मानव जीवन जीने के बाद भी वह असुरी कार्य करने ही चला गया। आपको उसे जीवित करना ही नहीं चाहिए था। माता मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि पदम जानता है कि उसका पिता ही उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है, फिर भी वो अपने पिता के पास चला गया। माना कि उसे संसार की चिंता नहीं है, फिर भी उसे अपने जीवन की चिंता तो होनी चाहिए। हमने उसके लिए क्या किया इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसका जीवन अब उसका है और वो उसे अपने धर्म के अनुसार व्यतीत करने को स्वतंत्र है। यदि वो अपने पिता से मिलना चाहता है तो उसे इसका पूरा अधिकार है। असुरराज त्रिजट की जय! असुरराज त्रिजट की जय! असुरराज त्रिजट की जय! हे असुर कुल के समस्त असुरों, मेरी घोर तपस्या से अर्जित शक्तियों और असुर कुल गुरु शुक्राचार्य के अनुष्ठान से आज आप सभी को पुनर्जीवित होने का अवसर मिला है। गुरुदेव अभी भी अनुष्ठान में व्यस्त हैं और जब तक असुर कुल का एक एक असुर पुनर्जीवित नहीं हो जाता ये अनुष्ठान अनवरत रहेगा। महाकाली के उस व्यापक असुर संहार के पश्चात मेरा जीवित बच जाना और आज आप सभी लोगों का पुनर्जीवित होना इस बात का संकेत है कि शीघ्र ही समस्त संसार पर असुरों का आधिपत्य होगा। मेरे नेतृत्व में आप सभी इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि समस्त संसार में हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। पिताश्री, देवराज
ये तो पिता पुत्र का मिलन हो गया, अब इसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। अभी तक मिलन हुआ नहीं है देवगण, पदम त्रिजट के समूह पहुंच तो गया है, किंतु आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। राजकुमार पदम, तुम जीवित कैसे बच गए? तुम्हारा तो मैंने अंत कर दिया था। पिताश्री, मैं राजकुमार पदम नहीं अपितु महाबली असुर राज त्रिजट का पुत्र पदम हूँ। फिर मृत्यु इतनी सरलता से मेरा वरण कैसे कर सकती है? मत कहो मुझे पिताश्री, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। पिताश्री, यदि आप मेरे पिता नहीं होते या मैं आपका पुत्र नहीं होता तो आप कभी मुझे मारने का प्रयास नहीं करते। मुझे दुख तो इस बात का है कि इस संसार में ना तो कभी मुझे मेरी माता का प्रेम मिला और ना ही कभी पिता का। आज मेरे पिता मेरे सामने हैं, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं इस संसार में सर्वथा एकाकी हूँ। तुम्हारा ये भावनात्मक भाषण मुझे प्रभावित नहीं कर सकता पदम। तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक भावुक बालक की भांति आओगे और मुझे उद्दलित कर दोगे? ये तुम्हारा भ्रम है। चले जाओ यहाँ से यदि तुम्हें तुम्हारे प्राण प्यारे हैं, अन्यथा आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप ठीक कह रहे हैं पिताश्री, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं मृत्यु के लिए प्रस्तुत हूँ, किंतु कृपा कर इस बार मुझे सामने से मारिएगा ताकि मैं स्वयं अपना अंत अपनी आंखों से देख सकूं, ताकि भविष्य में संसार ये ना कह सके कि एक पिता ने पुत्र को धोखे से मारा है, अन्यथा संसार का पिता और पुत्र के संबंध से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस बार तुम्हें सामने से मारूंगा और इस बार तुम्हारी मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं बल्कि एक उत्सव होगी। ले जाओ इसे, आज सूर्यास्त के साथ इसके जीवन का भी सूर्यास्त हो जाएगा। देखो पदम, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूर्ण होने जा रही है, आज तुम्हारा अंत मेरे सामने होगा। ठहरो। ये वृद्ध स्त्री कौन है? पदम, ये तुम क्या करने जा रहे हो? माता, यदि कोई पिता अपने पुत्र को स्वीकार करने से मना कर दे तो इससे बड़ा लांछन और क्या हो सकता है? इस लांछन के साथ मैं जीवित नहीं रह सकता। और तुम्हारी माता का कोई मूल्य नहीं, यदि तुम्हें जन्म देने वाली माता को पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। उस माता का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं जिसने मुझे जन्म देते ही छोड़ दिया। आपने मुझे पाला, मैं आपका आभारी हूँ, परंतु आप मेरे पिताश्री का स्थान नहीं ले सकते। किस पिता की बात कर रहे हो तुम? वो पिता जिसने तुम्हें अपना पुत्र कभी माना ही नहीं, वो पिता जिसने तुम्हारी हत्या करने का प्रयास किया और आज तुम उसी पिता के सामने मृत्यु वरण के लिए खड़े हो। बस पुत्र, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें यूं ही अपना जीवन समाप्त करने नहीं दूंगी। ठहरी माता, मेरे पिता ही मेरे लिए संसार में श्रेष्ठ है, फिर चाहे वो मुझे जीवन दे या मृत्यु। हे पिताश्री, कर दीजिए मेरा अंत ताकि इस नर्क जैसे जीवन से मुझे मुक्ति मिल सके, जिस जीवन में मेरे पिता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सोच के रहे हो त्रिजट? मार दो अपने पुत्र को, उस पुत्र को जिसके लिए उसके पिता उसके अपने जीवन से भी महत्वपूर्ण है। मार दो त्रिजट। पिताश्री, कर दीजिए मेरा अंत ताकि आपके हाथों मृत्यु पाकर मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। कर दीजिए मेरा अंत पिताश्री, कर दीजिए। पदम,
मेरी एक ही चिंता है कि मेरा पुत्र ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। किंतु आज तुम्हारा समर्पण देखकर मुझे नहीं लगता कि मेरा पुत्र भी मेरी मृत्यु की कामना रख सकता है। बताओ पदम, क्या तुम मुझे मारने की कामना रखते हो? जी आप क्या कह रहे हैं पिताश्री, मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि ऐसा है तो मुझे तुमसे कोई भय नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। त्रिजट, यदि तुमने इसे ना मारने का निर्णय ले ही लिया है तो इस सूत्र को बांध कर इसे अपना पुत्र स्वीकार कर ही लो। मैं तुम्हें आज से अपना पुत्र स्वीकार करता हूं। कंटक भैरव, ये तुमने क्या किया बता? कौन हो तुम लोग? छल हुआ है मेरे साथ, छल। छल नहीं त्रिजट, नियति है ये। नियति ने तुम्हारे मृत्यु का कारण तुम्हारे पुत्र को बनाया था, इसलिए ये तो होना ही था। ब्रह्मा जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तभी संभव है जब तुम में पुत्र मोह जागृत होगा। ये मोह जगाने के लिए ही हमने ये योजना बनाई थी। रामदेव के वरदान के अनुसार त्रिजट की मृत्यु तभी संभव है जब उसमें पुत्र मोह जागृत होगा। नियति अब तुम्हारा आह्वान कर रही है पदम, त्रिजट की मृत्यु के लिए नियति ने तुम्हें चुना है। संसार को दुख अधर्म एवं पाप से मुक्त कराने के लिए, जगत कल्याण हेतु मैं इस योजना में आप सबका साथ निभाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण भी दांव पर क्यों न लगाने पड़े। रिजर्ट, ये माता की योजना थी जिसमें तुम फंस गए। पुत्र का नाटक करने वाले छली पदम, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। मार्ग से हट जाओ कंटक, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। परिणाम की चिंता तुम करो त्रिजट, मरण समय निकट है। कंटक भैरव, तुमने मेरा अनुष्ठान भंग करके अच्छा नहीं किया। अधर्म से किया कोई भी कार्य सफल नहीं होता शुक्राचार्य। मेरा निवेदन है आपसे, असुरों का साथ छोड़ धर्म का कार्य कीजिए। मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं। देवताओं ने असुरों के साथ जो छल किया है उसका प्रतिशोध लिए बिना मैं अपना मार्ग कदापि नहीं बदलूंगा। तो फिर आप इसी प्रकार असफल होते रहेंगे गुरु शुक्राचार्य। आज मेरा अनुष्ठान भंग करके तुम ये मत समझना कि तुमने मुझे परास्त कर दिया है। मैं अपनी दूसरी शक्तियों से असुरों को जीवित करूंगा और एक दिन संसार में असुर साम्राज्य स्थापित करके रहूंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य, अधर्म कभी विजय नहीं हो सकता,
एक दिन तुम्हें अपनी भूल का आभास अवश्य होगा। मैं तुम्हारी आभारी हूं कंटक, मेरे पवित्र सिंदूर को वापस लाकर तुमने शक्तिपीठ की विश्वसनीयता और भक्तों की आस्था को पुनर्स्थापित किया है। आज से मैं तुम्हें शक्तिपीठ का रक्षक नियुक्त करती हूं और संसार में तुम कंटक भैरव के नाम से प्रसिद्ध रहोगे। पदम, मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करती हूँ। तुमने अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस संसार की रक्षा की है, अतः मैं तुम्हें 100 वर्षों की आयु प्रदान करती हूँ। अतः तुम्हारे रूप में तुम्हारी पत्नी का सुहाग शत आयु होगा, जिसका प्रतीक उसकी मांग में सिंदूर के रूप में स्थित रहेगा। आज से ये सिंदूर संसार में प्रत्येक स्त्री के मांग में सौभाग्यवती होने का संकेत होगा। जो कोई भी अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरेगा, वो अपनी पत्नी की शक्ति के कारण हर संकट से मुक्त रहेगा और अपनी आयु पूर्ण करने के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त करेगा।